12 इलेक्ट्रिक करंट के सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो होगा मोबिलिटी। उससे पहले अपन एक बार थोड़ा सा बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कि आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके कोलिजन्स के लिए जब वो टकराएंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था VD इक्वल्स टू कितना था, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था तो वो था ई अपॉन एम इंटू टी। ये फॉर्मूला था आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टी, जहाँ पे ई है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एम है इलेक्ट्रॉन का मास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और टी क्या आपके पास में टेम्परेचर है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VD इक्वल्स टू ET अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बात करूँ ई के बारे में, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं एम के बारे में बात करूँ तो एम क्या आपके पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टी के बारे में बात करूँ तो टी क्या था मेरे पास में, रिलैक्सेशन टाइम था, रिलैक्सेशन टाइम था, ठीक है। अब जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है एक मेटल की, ठीक है ना, ये क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट होती हैं। जैसे टी है जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो डिपेंड करता है मेटल पे, टाइप ऑफ मेटल पे। जैसे मैं अगर कॉपर की बात करूँ तो क्या होगा, फिक्स रहेगा। एक सर्टेन मेटल के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो ये तीनों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास में, ई एम एंड टी तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं तीनों चीज़ों को जगह कांस्टेंट ले सकता हूँ, जिसको बोलते हैं VD इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, और म्यू इक्वल्स टू कितना आपके पास में, ET अपॉन M, और ये क्या आपके पास में कांस्टेंट है, और इसको ही बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, इसको बोलते हैं अपन मोबिलिटी बोलते हैं। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम, दीज थ्री पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, हैंस वी कैन रिप्लेस देम बाय ए कांस्टेंट टर्म विच इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। तो इस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं मोबिलिटी बोलते हैं, म्यू इक्वल्स टू ET अपॉन M। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूला की बात करूँ यहाँ से, तो म्यू इक्वल्स टू कितना मिलेगा, VD अपॉन E। ये ज़्यादा काम का फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया मोबिलिटी। अब देखो ये दो फॉर्मूलाज हैं हो गए आपके पास में मोबिलिटी के, फर्स्ट वन इज म्यू इक्वल्स टू ET अपॉन M एंड सेकेंड वन इज म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E। अब इनसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं देख लो, म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E एंड म्यू इक्वल्स टू ET अपॉन M। देखो जो मोबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, अगर आपके पास में मास ज़्यादा है तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, कम, अगर आपके पास में मास कम है तो मोबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, और मैं मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करूँ तो होता है 1.62 × 10⁻²⁷ kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी
प्रोटॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है मोबिलिटी के केस में? मोबिलिटी का अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया। अब मैं डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को देखो डेफिनेशन के लिए। म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 हो जाती है, यूनिट हो जाती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोबिलिटी के बराबर हो जाएगी, है ना? तो इसको बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। अभी तक क्या करा, मोबिलिटी के लिए मैंने बताया कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म थी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है, कांस्टेंट बोल दिया और मोबिलिटी बोल दिया उसको। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ से अपन ने डेफिनेशन निकाल लिए। अगर मैं बात करूँ यूनिट के बारे में, तो यूनिट के बारे में देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर ऊपर चला जाएगा, सेकेंड इनवर्स एंड वोल्टेज इनवर्स, ये क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर मैं बात करता हूँ दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में या दो मेटल्स के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, फॉर टू गिवन मेटल्स देखो, म्यू इक्वल्स टू कितना आपके पास में, वी डी अपॉन ई। फॉर टू गिवन मेटल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, अगर दो मेटल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपके पास में कॉन्स्टेंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी डी वन अपॉन वी डी टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो उसके तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, सॉरी मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी आपके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। जिसकी जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, मोबिलिटी होगी। ठीक है, मैंने बताया कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी प्रोटॉन के कंपेरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से जो मेजर करंट होता है वो जनरली किसका मानते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का मानते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, मोबिलिटी आया समझ में? अब आगे चले, अब इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं इस चैप्टर के। देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो मान के चलो आपके पास में कंडक्टर है, ये ऐसे कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है वो डेल एल है। लेंथ क्या है, डेल एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आपके पास में ए, और जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है वी डी। यहां तक देखो, एक आपके पास में कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ आपके पास में डेल एल, और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास में एल है। ठीक है, और लेट अस अज्यूम क्या मानते हैं अपन, एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इक्वल्स टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। तो दो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2n। थ्री यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3n। फोर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4n। वी यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? vn। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल n वो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू n। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है, इंटू n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? a डेल l इंटू n के बराबर हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब मैं बात करूँ चार्ज के बारे में। जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज q इक्वल्स होता है n इंटू e के बराबर होता है। तो q इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? a डेल l n इंटू e। ये आ गया आपके पास में टोटल चार्ज। और इसका आप ऐसे लिख सकते हो n a डेल l इंटू e। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये समझ लो क्या किया कि मान के चले अपन n जो इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n वो है पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से मल्टीप्लाई कर दिया। हमको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इनटू लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपके पास में। चार्ज q इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में? एन ई होता है। ठीक है ना, चार्ज q इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में? एन ई। n की वैल्यू है आपके पास में n a डेल l, तो q इक्वल्स टू कितना हो गया? n e a डेल l, या q इक्वल्स टू लिख लो n e a डेल l। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, बोलो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। सिंस वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। मान के चलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाने में डेल टी टाइम लेते हैं। ठीक है ना, ए से बी तक जाने में डेल टी टाइम लेते हैं। लेट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD takes delta t time to cover, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? डेल l, to cover डेल l distance। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो, यहां से अपन ने चार्ज निकाल लिया, यहां पे अपन ने स्टेटमेंट लिख दी कि A से B तक जाने में delta t time लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? VD है। और लेंथ कितनी होगी? डेल l हो गई। इस वाले फॉर्मूला में रखो, डेल टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी है? वी डी। और लेंथ कितनी है? डेल एल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड। देख लो इसको एक बार अच्छे से समझ लो, ये डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। अपन ने क्या माना? सबसे पहले स्मॉल एन माना। स्मॉल एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया अपन ने, चार्ज निकाल लिया, चार्ज की वैल्यू आई क्यू इक्वल्स टू एन ई ए डेल एल। यहाँ से अपन ने टाइम निकाला, टी इक्वल्स टू डेल टी इक्वल्स टू कितना गया? वी डी अपॉन डेल एल आ गया, या इसका आप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे चले। अभी अपन ने क्या किया, जो q था, q इक्वल्स टू कितना निकाल लिया? n e a डेल l। एंड डेल t इक्वल्स टू कितना निकाल लिया अपन ने? v d अपॉन डेल l निकाल लिया। ये अपन ने निकाल लिया। सिंस वी नो दैट i इक्वल्स टू कितना होता है? डेल q अपॉन डेल t होता है। डेल q की वैल्यू कितनी है आपके पास में? n e a डेल l अपॉन
डेल टी की वैल्यू कितनी है, सॉरी गलत कर दिया, डेल टी इक्वल्स टू आएगा आपके पास में डेल एल अपॉन वी डी। देखो यहाँ पे जो लिखा था वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखा था अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा था, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डेल टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल एल अपॉन वी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो डेल टी इक्वल्स टू कितना गया, डेल एल अपॉन वी डी, तो डेल एल अपॉन वी डी देखो क्या होगा, एन ई ए डेल एल इंटू वी डी अपॉन डेल एल, डेल एल से डेल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ई ए वी डी। ये रिलेशन आएगा आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में, ठीक है ना, I इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ये फर्स्ट रिलेशन आ गया आपके पास में करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया। अगर मैं ऐसे बात करूँ रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो सिंस वी डी इक्वल्स टू कितना पढ़ा था अपन ने, म्यू ई पढ़ा था यहां पे थोड़ी देर पहले, तो वी डी की जगह म्यू ई रख दो, आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई ए म्यू ई, और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपके पास में करंट हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन बता रहा है करंट को इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बता रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो अपन मान के चले कि आपके पास में जो एन ई ए वी डी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, एन ई ए वी डी क्या आपके पास में कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि एक वायर के अंदर एक मेटल के अंदर जो टोटल करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो यूनिट वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, एन कांस्टेंट आपके पास में, ई ए वी डी इसको मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या आपके पास में कांस्टेंट है, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी क्या है, कांस्टेंट है, एन इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू क्या है आपके पास में कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे अपन, ए वी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट। और दूसरी फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है इसको, ए वन वी डी वन इक्वल्स टू ए टू वी डी टू, अगर एरिया स्मॉल है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर एरिया बड़ा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे जो आई है एक पूरे वायर के लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसको अपन ने कांस्टेंट मान लिया, एन और ई को कांस्टेंट पुट किया, ए वी डी कांस्टेंट के बराबर आ गया, और इसको क्या लिख दिया अपन ने, ए वन वी डी वन इक्वल टू ए टू वी डी टू को क्या मान लिया अपन ने, रिलेशन बना लिया, ठीक है ना। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर आपके पास में एरिया इंक्रीज करेगा सॉरी एरिया डिक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड
पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला VD इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, ET अपॉन M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना है वोल्टेज की टर्म्स में, एंड हमको दूसरी चीज़ क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन L होता है। तो रख दो VD इक्वल्स टू कितना हो गया, ET अपॉन M इंटू V अपॉन L, और क्या लिख सकता हूँ मैं, VD इक्वल्स टू ET अपॉन ML इंटू V, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपके पास में क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। आप इसको लेना चाहो तो कांस्टेंट ले लो, नहीं लेना चाहो तो छोड़ दो ऐसे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपके पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कंडक्टर की लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। समझ में आया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें की अपन ने, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपके पास में 40Q प्लस 5T प्लस 6, और आपको बोला कि कैलकुलेट करंट व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। तो हमको पता है सिंस I इक्वल्स टू कितना होता है, dQ/dt, तो d/dt Q की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 40Q प्लस 5T प्लस 6, डिफरेंशिएट करो, I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12T² + 5। आपको बोला है कि कैलकुलेट करना है करंट जब टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 सेकेंड, व्हेन टाइम t इक्वल्स टू कितना रख दूं मैं, 1 सेकेंड रख दूं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×1² + 5, तो यहाँ से मिलेगा 12 + 5, आंसर आ जाएगा 17 एम्पियर। ये आपको वैल्यू मिलेगी करंट की, कब, जब आपके पास में टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है एक कॉपर एटम दिया हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आपके पास में 1.0×10⁻¹ m², ये आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, और आपको बोला है कि जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1.5 एम्पियर, और आपसे बोला था क्वेश्चन में कि एस्टिमेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडीशन क्या दे दिया कि एवरी एटम ऑफ कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक एटम कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन आपको देता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे कॉपर के, ठीक है। तो एटॉमिक जो मास है ना, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है, एटॉमिक मास 63.5 amu दिया हुआ है, और कॉपर की डेंसिटी दी हुई है आपको 9.0×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, ठीक है। आपको बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, सिंस I इक्वल्स टू कितना होता है, NEAVD, तो VD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I अपॉन NEA, I की वैल्यू है आपके पास में, E इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6×10⁻¹ कूलम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
अब आपको बोला कि एवरी एटम ऑफ कॉपर गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर के एटम से आपको कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है ना। और कॉपर का मास कितना आपके पास में, 63.5 AMU है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 AMU किसके बराबर आएंगे, AMU ऑफ कॉपर किसके बराबर आएंगे, आपके एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएंगे। कि टोटल एटॉमिक मास के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किसके बराबर है आपके पास में, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है। तो Na की वैल्यू पता होती है आपको, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम करूं, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम करूं मैं तो वो कितना हो जाएगा, Na अपॉन एटॉमिक मास। Na की वैल्यू कितनी है, 6.0 × 10^22 अपॉन 63.5। ये किसमें आए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आए आपके पास में 1 ग्राम के अंदर आए, ठीक है ना। अगर मैं यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन इक्वल्स टू कितना जाएगा, 6.0 × 10^22 अपॉन 63.5 × डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो एन इक्वल्स टू 6.0 × 10^22 इंटू 9, डेंसिटी थी आपके पास में 9 × 10^3 अपॉन 63.5। और अपन इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे, ठीक है ना। एएमयू में मास था तो अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा 10^-3, यहाँ पे भी 10^-3 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 8.5 × 10^28 पर मीटर क्यूब, ये स्मॉल एन की वैल्यू मिल गई। हैंस वी डी इक्वल टू कितना हो गया, आई अपॉन एन ई ए, आई की वैल्यू कितनी है, वन पॉइंट फाइव एम्पियर। एन कितना आपके पास में, 8.5 × 10^28 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ था आपको, 10^-7 मीटर स्क्वायर। और जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी 1.10 × 10^-3 मीटर पर सेकंड। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रेंज होती है वो आ रही है आपके पास में 10^-3 मीटर पर सेकंड की रेंज आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन आपका क्या था, इजी था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और हाइड्रोजन एटम की रेडियस दी हुई है आपको, ठीक है, और बोला कि कैलकुलेट करंट। आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो रेडियस दी हुई है आपको 5.3 × 10^-11 मीटर, ये आपको रेडियस दी हुई है हाइड्रोजन एटम की। और स्पीड के बारे में बात करूँ तो वेलोसिटी दी हुई है 2.2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड। बोला कैलकुलेट करंट, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम से मिलेगा आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये मान के चलते हैं हाइड्रोजन एटम है, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो अराउंड सर्कमफेरेंस रिवॉल्व करेगा, तो
तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिवोल्व करेगा, सर्कमफेरेंस के अराउंड रिवोल्व करेगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंस वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी इक्वल्स टू डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर आपको दिया हुआ था 5.3 × 10⁻¹⁻ अपॉन 2.2 × 10⁶ m/s, ठीक है। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है ना, तो टाइम अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को टाइम मिलेगा -17 सेकंड की रेंज में, ठीक है ना। तो टाइम आएगा आपके पास में नियरली 15.13 × 10⁻¹⁷ सेकंड, ये आपके पास में टाइम आ गया। करंट का फॉर्मूला पता है होता है आपको, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी, और जो चार्ज है वो किसके बराबर मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ई अपॉन टी। आई इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन टाइम कितना है, 15.13 × 10⁻¹⁷ सेकेंड। तो -17 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो 1.06 × 10⁻³ एम्पियर करंट मिलेगा, या इसको लिखा जा सकता है 1.06 mA करंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, आगे चलें। देखो आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी कॉपर के लिए, वो कितनी थी, 1.10 × 10⁻³ सेकेंड। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज है वो है 10⁻³ सेकेंड की रेंज में। अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करूं वो होती है 3 × 10⁸ m/s, सॉरी मीटर पर सेकेंड आएगा यहाँ पे। अगर मैं थर्मली जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं नॉर्मली उसके अंदर, उसकी बात करूं रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, तो वो होती है लगभग 10⁶ m/s की रेंज में। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, बहुत कम है 10⁻³ रेंज में। लेकिन फिर भी जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं तो उसी इंस्टेंट पे आपके जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो समझना है, देखो, ठीक है ना। ये आपके पास में पाइप है और यहां पे ए पार्ट मान लेता हूं, यहां पे बी पार्ट मान, यहां पे अपन ने एक टैप लगाया और टैप से पानी जाएगा बकेट के अंदर, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि पहले जो पाइप है वो एम्प्टी है, खाली पाइप है। तो जैसे यहां से पानी टैप को ऑन करूंगा मैं, पानी आएगा और ये पानी यहां से इस बकेट के अंदर पहुंचेगा। तो इस पानी को पूरी जो लेंथ है, ऑब्वियसली मान के चलते हैं 1 मीटर लेंथ है पाइप की, वो कवर करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो वॉटर है वो कहां पे पहुंच पाएगा, आपके बकेट में पहुंच पाएगा। सेकेंड केस अगर मैं मान के चलूं, ये बकेट हो गई आपके पास में, कि ए से बी ये पाइप पहले से ही भरा हुआ है, ये पाइप क्या है, पहले से ही भरा हुआ है। जैसे मैं टैप को ऑन करूंगा तो यहां से टैप की एक ड्रॉप रिलीज होगी, वाटर की ड्रॉप रिलीज होगी टैप से, वैसे यहां पे एक ड्रॉप का बकेट के अंदर आ जाएगी। तो जितना पानी टैप से आएगा उतना ही पानी दूसरे कॉर्नर से बकेट के अंदर चला जाएगा। तो यहां पे जो टाइम है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा था, वो टाइम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा।
सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है वायर के अंदर। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो पूरे वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लोकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करा देती है, जिसकी वजह से स्विच ऑन होने में टाइम नहीं लगता। ऐसे होता है, ये वायर है, कंडक्टर वायर है, मान के चलते हैं यहाँ पे आपके पास में क्या है, बल्ब है, यहां से आपने स्विच को क्या किया, ऑन किया, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे, ठीक है ना। तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और जितने भी लोकल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्ट करेंगे एज ए लोकल ड्रिफ्ट, या जितने भी पॉइंट्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो आपको क्या, उसी इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, आपके पास में बल्ब के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे बल्ब के पास चले जाएंगे तो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका बल्ब क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। इस वजह से स्विच ऑन करने में और इलेक्ट्रिक अप्लायंस के वर्क करने में कोई ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। देखो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले बात की रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी के बारे में। तो वी डी इक्वल्स टू म्यू ई मिला, तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, वी डी अपॉन ई। और म्यू का दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ई टी अपॉन एम। फिर अपन ने डिड्यूस किया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ई ए वी डी, ठीक है। आई इक्वल्स टू एन ई ए म्यू इन टू ई, ये रिलेशन आया आपके पास में करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे के लिए। फिर अपन ने यहाँ से प्रूव किया ए वन वी डी वन इक्वल्स टू ए टू वी डी टू, और ये क्या होता है आपके पास में, एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर अपन ने रिलेशन निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस में, वी डी इक्वल्स टू ई टी अपॉन एम एल इन टू वी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, आपके वोल्टेज की होती है, ठीक है ना। ये अपने डेरिवेशन सोल्व किए, एक क्वेश्चन सोल्व किया वहां पे न्यूमेरिकल, एन इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास, केजी में होना चाहिए, इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं डेंसिटी। तो यहां से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस क्लास में इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें।